चलो वर्धा चलें यार, कितना टाइम लगेगा? और मौसम तो सुहाना रहता ही है मरी का। नीलम की तरफ रोड बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये है जी चलता फिरता खूनी दरिया, उस साइड पे थोड़ा सा और चले। बस निकल रहे हैं माल रोड की तरफ। वर्धा आप रेडी हो गई हो? इस वक्त रात के 12 बजे का टाइम है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। और जैसा कि आपको पता है कि हम मरी में हैं, आज हमारा यहाँ पर तो पहला दिन है लेकिन लाहौर से निकले हुए हमें आज दूसरा दिन है। मेरी सबसे फेवरेट जगह मरी आने के बाद, मैं ज़्यादा जो है वो अगर तो मौसम गर्मियों का मौसम हो तो मैं दरियाए नीलम की तरफ जाना पसंद करता हूँ, और आज हम दरियाए नीलम की तरफ जाएंगे। बाकी सब तो तैयार हो रहे हैं, मैंने कहा क्यों ना हम स्टार्ट एक अच्छे व्यू के साथ और अच्छे मूड के साथ करें। बस ऐसा है कि मैं तैयार हूँ, मूसा भी तैयार है, हम लोग बस निकलने की तैयारियों में हैं। मैं जाके देखता हूँ कि अभी कौन कौन तैयार हुआ है और बाकी कौन कौन रह गया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा मुझे बताओ यार, इतना टाइम लगता है तैयार होने में यार? जल्दी सी बात है, तैयार तो लगता ही है, बाकी इनको तैयार होने में। हाँ जल्दी उठ जाती तुम तो फिर जाहिर सी बात है टाइम तो लगता है, तो उसको जो मेंटेन कर लेते हैं। चलो बस ठीक है, टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। अच्छा जी ऐसा है कि हम लोग हम अपनी गाड़ी में नहीं जा रहे, वो इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो बंदे और बढ़ गए थे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कौन से हैं, जिसकी वजह से हम बाहर से हम जो है वो रेंट पे गाड़ी लेकर नीलम तक जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा टूर अच्छा रहेगा। सफ़र बहुत अच्छा गुजर रहा है जी, और आपको तो बताया कि बोरबंद से आते हुए नीलम की तरफ रोड बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। मैंने आपको बताया कि चूँकि हम पर्सन थोड़े से ज़्यादा हो गए थे इसलिए मैंने अपनी गाड़ी को पार्क किया, और ये भाइयाँ जी हमारे साथ जो हमें लेके जाएंगे नीलम तक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी आपका। बस थोड़ा सा रास्ता रह गया और हम फुल एंजॉय कर रहे हैं जी। वेरी डेंजरस रोड, और मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ पर आते हुए हर किसी को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि रोड जो है वो बहुत ज़्यादा कर्व है और बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं एकदम से। ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल करें और अपनी जो है वो हिफाजत और अपनी जो सेफ्टी है जो है खास तौर पर जो अपनी सेफ्टी है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। पीछे वाली पार्टी फुल एंजॉय कर रही है जी। मूसा क्या कर रहा है? कहाँ पे आ गए मूसा, कोई पता चल जाएगा हम कहाँ पे आ गए हैं जी। सनी जरूर जरूर। अच्छा जी ये है वो दो लोग जिनकी वजह से हमें अपनी गाड़ी पार्क करके हमें जो है वो इस तरह से आना पड़ रहा है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? लोग ट्रिप पे आए थे तो उन लोगों ने हमें दे दे ले आ गए। हम तो यहाँ पर आए वर्धा को सरप्राइज करने के लिए। सरप्राइज तो सरप्राइज भी मिलेगा। ये हैं वो नज़ारे जिनको देखने के लिए मैं बार बार यहाँ पर आना जो है वो पसंद करता हूँ। क्या बात है, लविंग यार, वेरी लविंग। रोड तो बहुत ज़्यादा अच्छे बन गए यहाँ पे। मैं जब पहले आता था, जब भी आया हूँ मैं, मोस्टली यहाँ पे रोड खराब ही होते हैं, लेकिन आज रोड काफी अच्छा लग रहा है मुझे। मूसा कहाँ पे आए हम? ये माल रोड नहीं है, ये दरिया नीलम है बेटे। हाँ जी ये है जी चलता फिरता खूनी दरिया। बहुत ही ज्यादा खतरनाक किस्म का दरिया है जी ये। मूसा 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 बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहा यार। एंजॉय करेगा, बेसिकली अभी वो आया है यहाँ पर और वो देख के थोड़ा सा परेशान है कि ये काम कहाँ पे आ गया है। मूसा को हाथ भी नहीं अंदर डाल रहा यार, डर रहा है बहुत। एक्चुअली ये मेरी फेवरेट जगह है, यहाँ पर आकर बहुत सुकून मिलता है वाकई में बहुत। लेकिन इस बार पानी ठंडा नहीं है, थोड़ा सा गर्म लग रहा पानी। मूसा ने पत्थर फेंक दिए, वो बस यही लगा हुआ कि मैंने पत्थर फेंक दिए। भाई कितने का ये? भाई ये मैंने 100 रुपए का लेना है, ये देखो तो सही है कितना। अच्छा हमको सिखा रिया है। यार ये क्यों छूट गया? यार ये बहुत महंगा है। और धोएंगे कहाँ पे? धोएंगे कहाँ पे? धोएंगे कहाँ पे? ये पानी साफ है ना, ये पानी साफ है।
आ जाओ यार, हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा, डोंट वरी। वो तो सिर्फ एक मजाक था यार, तुम डर क्यों गई हो? एक्चुअली मैं ना वर्दा के साथ शूट कर रहा था, शॉट बना रहा हूँ, तो वो डर गई है, उसे लग रहा है कि कहीं वाकई मैं उसे इन लहरों की नजर ना कर दूँ। नहीं यार, तुम्हें इन लहरों की नजर कर दूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा? आप एंजॉय, बात तो सही है। अच्छा एंजॉय करते हो गैप, क्योंकि पत्थर बहुत ज्यादा नुकीले भी हैं और कुछ नहीं पता चलता, इंसान स्लिप हो जाता है। मैं आपको ये कहूंगा कि अगर बहुत ज्यादा एंजॉय करना ना, जो बंदा मरी आता है अगर वो जय नीलम का अगर उसने ट्रिप कैंसिल कर दिया तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पानी बहुत तेज है। ध्यान से ध्यान से ध्यान, ये देखें, ये भी मियाँ बीवी लगे हुए अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। मुझे पता है भाई आपका प्यार बहुत ज्यादा है, लगे रहो मजे करो। हम भी आ गए हुए ध्यान से आप भी गिरने वाले थे। अच्छा ये लास्ट है, मैं इससे आगे नहीं जाता, और मैं जब खुद समझाता हूँ तो मैं कभी भी ऐसी वायलेशन नहीं कर सकता। वो जो पत्थर पीछे पड़े हैं बड़े बड़े, लोग यहाँ पे खड़े होके पिक्चर उतरवाते हैं, सेल्फीज लेते हैं, क्योंकि इंतहा खतरनाक है, और यहाँ पर काफी ज्यादा हादसा हो चुके हैं। मैं यही कहूंगा, आ जाओ, बहुत ज्यादा थोड़ा और आगे आ जाओ ना, उस साइड पे थोड़ा सा और चले। उस साइड में चली जाऊँ मैं। क्या बात है यार, बहुत प्यारा नजारा है का, तो अपना ही लेवल है, मजा है, मजा ही है। तैमूर तो बहुत ज्यादा थक चुके हैं आज। तैमूर ने आज काफी शूट किया, हमने बहुत ज्यादा क्लिप जो है ना वो क्लिक की है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे नजारे, बहुत ज्यादा शूट किया, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। अभी बस खाना आने वाला यार, खाने का इंतजार हो रहा है। लविंग पॉइंट यार, बहुत मजा आता है, बहुत मजा। अगर आप प्यार के साथ यहाँ पर एंजॉय करें तो बहुत एंजॉय है। जय नीलम ने हमें बहुत ज्यादा एंजॉय करवाया, फाइनली से बाय बाय, बाय टू जय नीलम, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, तो अभी हमारी वापसी है। जय नीलम ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, सब ने एंजॉय किया है, और सबसे ज्यादा एंजॉय करने वाला एक बंदा है और वो है मूसा। मूसा कहता है मामा आज तो हमें बहुत ज्यादा मजा आया है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं। इमरान भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने हमें सेफ एंड साउंड जो है वो पिक एंड ड्रॉप दिया है। सर आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। 2 hours later कहते हैं कि मरी में आकर अगर कोई माल रोड पे ना जाए तो ऐसा लगता है कि मरी में आए नहीं हम। नीलम से आके हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, अभी रेस्ट किया है 2-3 घंटे, बस निकल रहे हैं माल रोड की तरफ। वर्दा आप रेडी हो गई हो? चलें बस निकलें, आ जाओ। उसका क्या हो गया? अच्छा जी, चलो बस हम ये आ गए हैं। एक्चुअली रूम जो है वो तकरीबन 500 मीटर दूर है माल रोड से, तो उसका ही खाते हैं। बस आ गए माल रोड पे तो बहुत ज्यादा रश है मूसा, बहुत ज्यादा रश है भाई माल रोड पे, ऐसा लग रहा है कि बस अब आप यहाँ से जाना ही नहीं चाहती। मरी माल रोड पे तो बहुत ज्यादा रश है आज, यहाँ से रश कभी खत्म हुआ है? मुझे पहले ये बताओ। ये तो है, यहाँ पर ऐसी रश रहता है, सदाबहार रश है यहाँ पर, ऐसी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मौसम बहुत अच्छा है इस टाइम, बस ऐसे ही है। अगस्त के महीने में मरीब का मौसम ऐसे ही होता है, लेकिन अभी जैसा कल मौसम था ना जी, आज वैसा नहीं है यार। वैसे आवाम को शर्म नहीं आती, रोज ही यहाँ पे मरी में इतनी आवाम आई होती है, क्या वजह यार? हमें भी नहीं आती, हम भी आ गए। मूसा क्या कहना चाहते हैं? आप भी आ जाओ, ये कह रहे हो आप? कितनी भूख लगी है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इस व्यू में KFC खाने का भाई अपना ही मजा ना, तो यही कहूँ। अच्छा ये वाला जो पॉइंट बनाया इन्होंने KFC का, मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छा बनाया। यहाँ बैठ के ऐसा लग रहा है जैसे हम उनाल में खाना खा रहे हैं ना, बहुत अच्छा। इसके बैक साइड जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा, मैं 2-3 मतलब आया हूँ यहाँ क्या से, लेकिन बैक साइड में आने के 5 बजे आज ही हुआ। चलो पहले हम खाना खा लें फिर करते हैं। क्या खा रहे हो?
उषा को दे दिया। इस वक्त रात के 12 बजे का टाइम है। हम लोग अभी माल रोड से वापस आए हैं। रास्ते में हल्की हल्की बारिश शुरू हुई है और मैं और मूसा सबसे पहले होटल में आए हैं। अभी सब आ रहे हैं, पीछे हजा भी आ गई है। जी ये है जी मरी का वेदर, बहुत आला, जिसको आप प्रिडिक्ट कह ही नहीं सकते। किसी वक्त भी वेदर जो है वो अपनी करवट बदलता है। हम माल रोड से वापस आ रहे थे जबकि जब ये जो है वो मौसम एकदम से चेंज हुआ है, बादल आए, हल्की हल्की बारिश हुई है और सबकी दौड़ लग गई। सब दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, किसी को कुछ नहीं, किसी का पता ना। मैंने मूसा को पकड़ा है, मैंने कहा जल्दी से होटल पहुंचे, वर्दा मामा के साथ भागी है, खाला इब्राहिम के साथ, इसी तरह सारे ना भाग के हम, शुक्र अल्लाह का कि हम ना बारिश तेज होने से पहले पहुंच गए हैं। और अभी भी फुहार जो है वो बड़ी अच्छी खूबसूरत सी हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा रहा जी। उम्मीद है कि आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो देख के। बिल्कुल। और ऐसा है कि आज का व्लॉग हम पार्ट टू, जो कि सरप्राइज मरी टूर है जी वर्दा के लिए, आज का पार्ट टू हम यहीं पर आज एंड करते हैं। कल जो है वो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हमारे साथ रहिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड।